बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हाउ टू रीड उर्दू कायदा में उर्दू तिफ़िल एक बार फिर है आपके साथ। आज की वीडियो में ये से शुरू होने वाले अल्फाज और उनकी तस्वीर शामिल की जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार पिछली वीडियोस में की गई कुछ बातें दोहरा लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं छोटी ये है, यहाँ छोटी ये है और छोटी ये की आवाज़ होती है ई, और ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आती है। बड़ी ये की आवाज़ होती है ये, और ये भी किसी लफ्ज़ के आखिर में आती है। इन दोनों के नीचे कभी भी दो नुक्ते नहीं आते, लेकिन इसकी इब्तदाई शक्ल के नीचे हमेशा दो नुक्तों का इजाफ़ा किया जाता है, दो नुक्ते ऐसे। और इनकी वस्ती शक्ल के नीचे भी दो नुक्तों का इजाफ़ा किया जाता है ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। छोटी ये और बड़ी ये, जब कभी भी हरूफ़ इल्लत यानी अलिफ वाओ छोटी ये और बड़ी ये से मिलते हैं, तो दोनों के लिए ये चार ही अशकाल होती हैं। हरूफ इल्लत से मिलने के बाद अलिफ के साथ या, वाओ के साथ यू, छोटी ए के साथ ई और बड़ी ए के साथ ए। जब कभी छोटी ए और बड़ी ए अलामात या हरकात के साथ ज़ाहिर हों, तो ज़बर के साथ आवाज़ य उठेगी और ज़ेर के साथ ई और पेश के साथ यू आएगी। और वस्त में किसी भी लफ्ज़ में ये शक्ल रहेगी दो नुक्तों वाली, और इख्तिताम में ये वाली। य से शुरू होने वाला पहला लफ्ज़ है य, यकुम। और यकुम में य कहाँ है ये देखिए, दो नुक्तों के साथ यहाँ है। यकुम का मतलब होता है एक, यकुम का मतलब होता है एक। यह के बाद आज का दूसरा लफ्ज़ है यह यो, और यो में यह यहाँ है दो नुक्तों के साथ दो बार। यो एक खिलौने का नाम, यह यरकान एक बीमारी का नाम, और यरकान में यह कहाँ है यहाँ है दो नुक्तों के साथ। यह यादगार, यादगार कोई भी पुरानी इमारत, कोई भी मुजस्मा, कोई किताब, कोई शख्सियत। यह यादगार, यादगार में यह कहाँ है यादगार में यह दो नुक्तों के साथ यहाँ है, ठीक। यादगार के बाद है यह यखनी, और यखनी में यह कहाँ है ये दो नुक्तों के साथ यखनी में यह यहाँ है। टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम वर्ड्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स starting from the sound y. In previous video we have shown you the shape and forms of y. The initial y is having two dots under it like this, and the middle shape is like this having two dots under it, and the final form is always will be like this, and the sound will be e, ending sound will be e, and the ending sound of choti a will be e, and the ending sound of badi a will be a, and the initial sound and the middle sound always having two dots under it. Let's move forward. Whenever choti a and badi ye will meet with vowel sounds, it gives the sound of with alif sound ya, with vowel sound u, with choti ye sound e, with badi ye sound a. Similarly, when choti ye sound has harkat like zair, zabar, pesh on it, then if a zabar, choti ye has zabar on it, it will be read like ye, and having with zair, it will be read like ye,
एंड विद पेश इट विल बी रीड लाइक यू या यी यू. सिमिलरली इन बिटवीन एनी वर्ड द शेप ऑफ year having two dots under it like this, and in the end it will gives the sound of E and A. The first letters starting from year is yakum, having two dots under it, yakum. Yakum means one. Yakum in Roman, one in English. Yo-yo, a toy name, yo-yo in Urdu, yo-yo in Roman, yo-yo in English. Yarkan, having two dots under year. Yarkan, a disease name, yarkan in Roman and jaundice in English. Yadgar in Urdu, year having two dots under it. You can see over here, Yer Yadgar in Roman and Monument in English. Yer Yakhni, having two dots under it, Yer Yakhni. Yakhni in Roman and Soup or Broth in English. Yer Yakhni. आपकी पसंदीदगी का तहे दिल से शुक्रिया उर्दू तहफ़िल की जानिब से. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग उर्दू तहफ़िल. अल्लाह हाफिज़.